सिनेमा घर में कुछ घंटे की एक फिल्म आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है, खास तौर से जब फिल्म उस जमाने की हो जब रहन सहन से लेकर आने जाने तक के साधन अलग रहे हों। कल की दुनिया को आज की फिल्म में उतारने का काम करता है प्रोडक्शन डिजाइनर, और इसकी ताजा मिसाल है द राइजिंग ऑफ मंगल पांडे। इस फिल्म से मैं 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से मैंने केतन ने मेरे को जब स्क्रिप्ट दी थी तो केतन और हमने कलकत्ता बैरकपुर जहाँ पे एक्चुअल कंटोनमेंट है, बैरकपुर में जो मेन झाड़ है, मेन जो बनियान ट्री है जहाँ पे मंगल पांडे को एक्चुअल में लटकाया गया था, एक्चुअली हैंग किया गया था, तो जब हमने इन पूरे जगहों का दौरा किया और जहाँ पे लोकेशन हंट की सब देखे, वहाँ पे काफ़ी म्यूजियम्स में जाके बुक्स और उस पीरियड के हमने पेंटिंग्स निकाली, और विलियम डैनियल्स करके है जिनकी अर्ली व्यूज़ ऑफ इंडिया करके काफ़ी अच्छी किताब है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इनको अपॉइंट किया था और उन्होंने उस पीरियड के जो भी व्यूज थे बुक्स में पेंट किए हुए। पीरियड फिल्मों में बुनियादी रिसर्च के बाद शुरू होती है शूटिंग के लिए सही जगह की तलाश, जो अक्सर आसान नहीं होती, जैसे कि मंगल पांडे के जीवन की कई घटनाएं बहरामपुर और बैरकपुर में घटी, लेकिन पिछले 150 सालों में वहां बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए फिल्म की शूटिंग के लिए पूना में फिर से बहरामपुर और बैरकपुर बनाया गया। मुंबई में सिपाही बस्ती, कोठा और कंटोनमेंट की तरफ जाती सड़क तैयार की गई, जबकि दिल्ली में ब्रिटिश कंटोनमेंट की शूटिंग हुई। सतारा, वाही, महाबलेश्वर जैसी जगहों पर भी फिल्म की शूटिंग हुई है। डिज़ाइन करते वक्त मैंने कोशिश की है कि ब्रिटिश इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वाइट कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे प्रॉपर्टी, कर्टन्स भी खूबसूरत लेस वाले हैं, फ्लोरल पैटर्न है, और वो एक उनका जो राज करने का या उनकी जो एक ओवरऑल इमेज उसमें से निकल के आए, तो इट इज़ लाइक अ क्वाइट रिच एंड ब्रिटिश स्टाइल। जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स का सवाल है तो अर्थ टोन्स में रख के बाम्बू से और लकड़ी से बनाए हुए हट्स है, उसमें अच्छी सी वीविंग्स और उसमें कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न्स है। इस फिल्म में ब्रिटिश कंटोनमेंट, सिपाही बस्ती और कोठे को जोड़ती 2 किलोमीटर लंबी सड़क भी तैयार की गई। ये सड़क घाट की तरफ भी जाती है जहां मंगल पांडे को हर रोज सूर्य को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। इसी कच्ची सड़क पर होली का गाना भी शूट किया गया है। जो हमने पूना में शूट किया वहाँ पे पुलिस ग्राउंड्स है, तो हमने बहुत बड़े बड़े 4 पुलिस ग्राउंड लिए थे, एंड देन एक बहरामपुर, एक बैरकपुर, और उसको जोड़ के एक बड़ा सा ग्राउंड था, तो वहाँ पे हमने वो फायरिंग रेंज जैसे होती है वो क्रिएट की थी, देन वो मेन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मंगल आके अल्टीमेटली बगावत कर देता है। सबसे ग्रैंड और रिलीफ देने वाला डिजाइन है कोठे को तैयार करने में की गई कारीगरी। इस कोठे को बनाने में 12 दिन का वक्त लगा और रोज 25 लोग इस पर काम करते थे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 5600 कांच के टुकड़ों को जोड़कर नाचने का फर्श तैयार किया गया, तो वहाँ पे खूबसूरत से ग्रीनिश ब्लूइश ऐसी ट्रीटमेंट करके हमने स्टेन ग्लास यूज की है, और स्टेन ग्लास का रिफ्लेक्शन फ्लोर पे जाते वक्त काफ़ी बड़ा मिरर फ्लोर वर्क है, जिसके वजह से वो पूरी रिफ्लेक्शन ग्लास की वो फ्लोर्स पे आती है, और वहाँ पे फिर जिस तरह से लवलीन ने ब्यूटीफुल पिंक यूज़ किया है उस कलर्स को, यू नो, कॉन्ट्रास्ट देते हुए वो कैरेक्टर खुल के आता है। फिल्म में इस कोठे की तैयारी में 65 लाख रुपए लगे। ब्रिटिश कंटोनमेंट, सिपाही बस्ती, कोठे, सड़क को तैयार करने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। कजाकिस्तान शूटिंग में अफगान वॉर सीक्वेंस शूट किया गया और इसकी तैयारी में 2 हफ्ते का समय लगा, जिस पर करीब 45 लाख रुपए खर्च हुए। इस फिल्म में आर्ट डिजाइन पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और करीब 2 महीने में इसके सेट्स तैयार किए गए, जबकि कंप्यूटर पर सेट के मॉडल्स बनाने और सही लोकेशन की तलाश में ही 6 महीने लग गए। फिल्म में शूटिंग के दौरान छोटी छोटी डिटेलिंग पर काम करना होता है, उसके कलर पैलेट से लेकर शूटिंग वाली जगह पर सही चीजें रखना
जरूरी होता है। जैसे कि परिणीता में उस समय के ग्रामोफोन की खास बनावट, शेखर के बेडरूम में उसके बेड की बनावट और 1960 के मशहूर नाइट क्लब मूला रूश का वो सेट जिस पर रेखा डांस करती हैं। रेखा वाला सीक्वेंस जो है हम लोग सेट लगाया था M&T स्टूडियो में अंधेरिया में, काफी बड़ा सेट था, मेन कलर स्कीम है, कलर स्कीम वो 1960 का जो पिलर्स कैसे होता है, उसका एक्चुअली प्यूबिक का मोल्डिंग्स कैसे होता है। 1960 की इस पीरियड फिल्म में मूला रूश के सेट को तैयार करने में 10 दिन और 40 लाख रुपए खर्च हुए। कलकत्ता की हवेलियों को पूरी तरह से तैयार करने में 15 दिन लगे और उस पर 60 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं शेखर के बेडरूम जो मुंबई के नटराज स्टूडियो में 12 दिन में तैयार हुआ था उस पर 40 लाख रुपए लगे, जबकि ट्रेन का सीक्वेंस और प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार करने में 10 दिन लगे और उस पर 4 लाख रुपए खर्च हुए। इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन और प्रॉप्स का बजट करीब 3 करोड़ रुपए का था। जाहिर है बीते वक्त को फिल्म में उतारना मुश्किल भी है और खर्चीला भी, लेकिन भारतीय सिनेमा में ये काम बखूबी होता रहा है। मुगले आजम का शीश महल इतना खूबसूरत था कि निर्देशक के आसिफ की दोस्त और मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी ने वहाँ खास परफॉर्मेंस दिया। वही फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का कोठा भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगा सेट है। बड़ी फिल्में बड़ी बातें और उससे जुड़े छोटे बड़े किस्से, फिल्मों में कहानी कहीं की और सेट्स लगते हैं कहीं पर। मंगल पांडे की दास्ता है बंगाल की और शूटिंग हुई महाराष्ट्र, दिल्ली और तजाकिस्तान में। भले ही पीरियड फिल्मों में प्रोडक्शन डिजाइनिंग थोड़ी पेचीदा क्यों ना हो, लेकिन ये फिल्मों को भव्य बना देती है। ग्लैमर बाजार के लिए पूनम जाजू।